कांग्रेस वाले भी जाते हैं तो उसको कोई नई प्रैक्टिस नहीं करनी। मगर मित्रों, कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी कभी देवभूमि का विकास नहीं कर सकती, एक तुष्टिकरण करने वाली पार्टी। यहां पर हरीश रावत कहते हैं हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अब सहमत हो रहे पूर्व वालों, क्या सहमत हो क्या? अरे यूनिवर्सिटी में काय का मुस्लिम, क्यों मुस्लिम? जो बच्चा जाएगा जिसी भी धर्म का होगा वो पढ़ेगा भाई। आप सहमत हो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से? मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इगास की छुट्टी रखती है, हरीश बाबू आपने जुम्मे की छुट्टी रखी। अब बताओ, आप इगास की छुट्टी रखने वाले चाहिए या जुम्मे की? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमारी परंपरा है और हमारी संस्कृति की रक्षा एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है, केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का काम, पहाड़ को मैदान के खिलाफ लड़ाया, कुमाऊं को गढ़वाल के खिलाफ लड़ाया, जंगल और घाटी के बीच में झगड़ा लड़ाया, एनवायरमेंट की चिंता करने वाले और डेवलपमेंट वालों को लड़ाया और उन्होंने अपनी जेब भरने का काम किया। कांग्रेस पार्टी कभी विकास नहीं कर सकती है मित्रों, विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अभी अभी कांग्रेस ने नारा दिया है, प्रियंका जी भी बोल कर गई, चार धाम चार काम। मैंने तो कहा लेट हो गया, मगर वो चार काम चार धाम चार काम नहीं करेंगे, आने के बाद चार दाम मांगने वाले खड़े हो जाएंगे। एक तो स्थानीय स्तर पर विधायक होगा उनका, वो आपसे वसूली करेगा, दूसरा मंत्री वसूली करेगा, तीसरा मुख्यमंत्री वसूली करेगा और चौथा दिल्ली में बैठा हुआ परिवार भी वसूली करेगा। मित्रों, ये चार दाम मांगने वाले आ जाएंगे, चार काम आप नहीं कर सकते। अरे चार काम तो हमने कर दिए, केदार धाम का पुनरोद्धार करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को जोड़ने का संदेश केदार धाम सदियों से देता है, उसको पुनर्जीवित करा है, आदि शंकर की मूर्ति लगाकर एक केरल के ब्राह्मण सन्यासी को यहां बिठाकर पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना है। केदारनाथ जो जाते हैं वो सब कहते हैं कि पहले का केदारनाथ और आज का केदारनाथ मोदी जी ने काया पलट दिया। बद्रीधाम का भी 400 करोड़ रुपए से हम विकास करने वाले हैं, काम योजना बनना शुरू हो गया है, काम भी शुरू हो गया है। केदारनाथ से दशम पिता की गुरु गोविंद सिंह जी की याद जहां पर है, ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा तक हमने रोप वे बनाने का काम किया। और ये सब बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल था वहां पहुंचना कैसे। हमारे यहां गुजरात में आजादी के पहले जो चार धाम की यात्रा के लिए निकलते थे, गांव में पंडित उनका श्राद्ध करा देता था, इसलिए कराता था कि वापिस आएंगे या नहीं आएंगे मालूम नहीं है, भाई इतनी कठिन यात्रा है। अब जब समय बदला है, यात्रा सरल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाई जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मोदी जी ने ऑल वेदर 24 आवर 365 डे 13,000 करोड़ से रोड बनाकर चार धाम ऐसे ही एक अच्छी सड़क पर पहुंचने का रास्ता छोड़ा। हमारे
उत्तराखंड के पर्यटन ने लगभग 300% की वृद्धि होने वाली है। मित्रों, आज मैं ये हरीश रावत जी बड़े जोर जोर से बोलते रहते हैं, मैं उनको एक सवाल रायपुर वालों पूछना चाहता हूं। पूछ लू क्या भाई, जब ये उत्तराखंड के युवा उत्तराखंड के राज्य की मांग कर रहे थे, आपका मत क्या था ये तो बताओ। ये मसूरी के अंदर रामपुर जिला पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों की सरकारों ने गोली चलाकर हमारे युवाओं की हत्या की थी। अगर अटल जी न होते, भारतीय जनता पार्टी न होती, तो हमारा उत्तराखंड कभी नहीं बनना था। उत्तराखंड को बनाने का काम भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा। मित्रों, उत्तराखंड को विकसित बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये रायपुर विधानसभा में लगभग 5 करोड़ क्षेत्र खर्चे से भगत सिंह कॉलोनी, वाणी विहार, आजाद नगर कॉलोनी, वहां सड़कें और नाले बनाने का काम काऊ ने कर दिया है। 5 करोड़ रुपए की लागत से चूना भट्टा, लाड़पुर चौक, रायपुर बाजार, अग्रवाल बेकर्स, रिस्पिनापुर, ये सभी सड़कों को काम समाप्त करने का काम किया है। सहसपुर और रायपुर ब्लॉक में 10,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, 30,000 माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, 12,841 घरों में पीने का पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता, पहले था अब 1,13,000 हो गया, और 1,29,395 घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम किया। लगभग 40,000 घरों को बिजली पहुंचाने का काम किया है। देहरादून दिल्ली को जोड़ने वाला 210 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 2 घंटे में आपको देहरादून से दिल्ली पहुंचाएगा, वो भी बनना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना तहत अकेले काऊ की विधानसभा में 64,000 लोगों को प्रति माह 6,000 रुपया मिलने का काम शुरू हो गया। मित्रों, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन भी बन रही है, मगर काऊ को अभी संतोष ही नहीं है। आते आते मुझे पकड़ा कि साहब मेरे यहां आए हो, क्या देकर जाओगे। अरे मैंने बोला यार क्या देना है, तुम भोजन करा है नहीं और काम मांग रहे हो। उसने कहा एक केसर वाला रोड को बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति मिला। अब भाई काऊ चुनाव लड़ रहा है, मैं ना कैसे बोलूं। मैंने उसको कह दिया चुनाव समाप्त होते ही तेरे रोड का काम हम चालू कर देंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारे काम किए। जैसे मैंने आगे बताया 4 धाम का रोड 13,000 करोड़ के निर्माण से, 450 करोड़ से केदार धाम का पुनर्निर्माण, 424 करोड़ और 250 करोड़ और सीएसआर का, बद्री धाम का पुनर्निर्माण, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना 16,216 करोड़ से, जिसमें 12 नए रेलवे स्टेशन, 17 सुरंगे और 16 पुल होगी छोटे छोटे गांव को जोड़ने का काम। इसी तर्ज पर टनकपुर
बागेश्वर रेल परियोजना जो 2022 में शुरू हो जाएगी, 3 नई ट्रेनों को आरंभ किया है, नैनीदुर्ग जनशताब्दी, मां पूर्णा देवी जनशताब्दी और सिद्धबली जनशताब्दी जो आपको दिल्ली पहुंचाने का काम करती है। केदारनाथ और हेमकुंड को जोड़ने के लिए, हेमकुंड साहब तक पहुंचने के लिए रोप वे बनाने का काम किया है, देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड का काम किया है, उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन के तहत हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर रोपवे की भी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और ये देहरादून में छोटे बच्चे हो ना तो मेट्रो में बिठाने के लिए दिल्ली ले जाने की जरूरत नहीं है भाई। तू क्या ताली बजाने शादी हुई है क्या? हमारे देहरादून के बच्चों को जल्दी ही मेट्रो में घुमाने के लिए देहरादून में ही मैं मोदी जी मेट्रो लगाई है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी देश का विकास कर, देश को समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़े और गरीब के कल्याण के लिए 7.5 साल में मोदी जी ने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो गरीब के घर में न हो। आज कोई बीमार पड़ जाए तो 5 लाख तक का सारा खर्चा हर उत्तराखंडवासी का, उसका खर्चा भारतीय जनता पार्टी का। मगर सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ये कांग्रेस की सरकार थी ना, हरीश भाई सुनना मेरी बात को, आपकी सरकार थी, आप मंत्री थे वहां पर, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते, उनको पैरों से अपमानित करते थे, कोई कुछ बोलता नहीं था। उत्तराखंड वालों ने 5 की 5 सीटें मोदी जी को दे दी, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। पाकिस्तान पर परिवर्तन समझ में नहीं आया, उनको मालूम नहीं पड़ा कि भाजपा सरकार आ गई, कांग्रेस गई है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। उरी और पुलवामा में हमला किया मित्रों, और उरी और पुलवामा के हमले में हमारे जवानों को मार दिया गया, पाकिस्तान को उठा क्या होगा, 10 ही दिन में नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया और दुनिया भर के अंदर एक संदेश गया कि भारत की सेना और भारत की सीमा के सामने आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, वरना दंडित किया जाता है। मित्रों, ये संदेश भेजने का काम नरेंद्र मोदी, हमने तो मोदी जी को बधाइयां दी है, पार्टी का अध्यक्ष था, देश भर ने बधाई, बच्चे बच्चे ने बधाई कि हमारे सेना के जवानों के मृत्यु का बदला मोदी जी आपने लिया, बहुत उचित। अरे राहुल बाबा साक्ष मांगते, रूप मांगते, अरे पाकिस्तान छातियां पीट पीट कर रो रहा है, इससे बड़ा प्रूफ क्या है राहुल बाबा, समझ नहीं है। मित्रों, ये लोगों के लिए उत्तराखंड एक पर्यटन स्थल है, वैकेशन करने के लिए आएंगे, हमारे लिए उत्तराखंड बाबा केदार और बद्री विशाल का जन्म स्थान है, हमारी श्रद्धा जुड़ी है पहाड़ों, हमारी श्रद्धा जुड़ी है मां गंगा के साथ, मां जमुना के साथ, इनके लिए पर्यटन स्थल है, हमारे लिए भारत की संस्कृति का आत्मा ये हमारा देवभूमि है। मित्रों, इतना फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बहुत सारी माताएं बहनें बैठी है यहां पर,
अब तो मटके रखते नहीं है, बोतल आ गई है, मगर पहले मैं मेरी मां के साथ मटका लेने जाता था तो वो टकोरा लगा देता था मटके पर, याद है ना आप लोगों को। तो हम पूछते थे मां क्यों टकोरा लगा रही, कि मटकी पक्की है या कच्ची हो दे। भाई 200-250 रुपए की मटकी पर टकोरा लगाता हूं, माताओं बहनों 5 साल देवभूमि किसी के हाथ में सौंपनी है, टकोरा लगा देना, और मुझे विश्वास है टकोरा लगाओगे तो उमेश का उसका ही नाम आएगा और कोई नाम नहीं आएगा। बताओ माताओं भाइयों बहनों युवाओं, उमेश काव को जिताओगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता, जोर से बोलो जिताओगे, कमर के निशान पर बटन दबाओगे, काव को विधायक बनाओगे, दामी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की।